ड्राइनेस को कम करने के लिए कोशिश करें कि आप अंदर से हाइड्रेटेड रहें। हल्की सी आपने माइन्यूट फ्लेकिंग होते हुए भी देखा होगा, जो स्किन झड़ती है तो उसको अवॉइड करना है। आप चाहें तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस पे आप विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके। इस सीजन में मुझे तो बहुत ड्राइनेस हो रही है, यू कैन सी माई हैंड, क्योंकि आप फील नहीं कर पाएंगे एंड आई कैन फील इट। तो ऐसे में हर किसी का ड्राइनेस होना किसी की भी बॉडी पे बहुत लाजमी है, किसी भी स्किन टाइप पे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रहा है और वेदर ड्राई होता है, हवाएं थोड़ी रात को ठंडी होती हैं, ऐसे में आपका कॉज कर देता है ड्राइनेस और आपकी पपड़ी फ्लेकिंग बनने लग जाती है और आपके हाथ या कोई भी बॉडी सरफेस या बॉडी पार्ट रफ होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज इसी का सलूशन आपके पास लेके आई हूँ। ड्राइनेस को कम करने के लिए कोशिश करें कि आप अंदर से हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि बाहर से तो हम ऑयल क्रीम्स लगा लेते हैं लेकिन हम अंदर से अपनी हाइड्रेशन भूल जाते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं या हम नारियल पानी जैसी चीज़ें नहीं पीते हैं, जूस नहीं पीते हैं और जैसे खीरा है इस तरह का सैलड नहीं खाते हैं जो हमारा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होता है। तो ये आप इनटेक करना ज़्यादा शुरू करें। कोशिश करें कि आप बाहर जब भी स्टेप आउट कर रहे हैं तो बहुत ही जो आपको मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन सूट कर रहा है उसके बेसिस पे उसको अप्लाई करें और किसी के कहने पे अप्लाई ना करें। और ऐसे में जो सिया का सोरिया लोशन है ये बहुत आपको सूट करेगा, ये स्पेशली ड्राइनेस और फ्लेकिंग को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको रेडनेस या एलर्जी कॉज करेगा, ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा और पहले ही यूज से आपकी स्किन को स्मूथ करना स्टार्ट कर देगा, ड्राइनेस को कम कर देगा। लेकिन साथ में कोशिश करनी है आपको कि आप अंदर से अपनी हाइड्रेशन को बरकरार रखें, टाइम टाइम पे पानी, नारियल पानी और जूसेस वगैरह लेते रहें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप ना नहाएं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी या हॉट शावर्स हम लेते हैं तो स्किन हमारी ड्राई होती है और वहाँ से एक हल्की सी आपने माइन्यूट फ्लेकिंग होते हुए भी देखा होगा, जो स्किन झड़ती है तो उसको अवॉइड करना है। नॉर्मल आप ल्यूकवॉर्म वाटर या ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी ड्राइनेस को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पे आप विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके, जब आप विटामिन ई का कैप्सूल कट करेंगे तो उसमें से विटामिन ई ऑयल निकलेगा, उसको आप इस लोशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, आपको नॉर्मली एक दो ड्रॉप लेना है हाथ पे और अपने जहाँ पे भी सरफेस पे आपको ड्राइनेस हो रहा है या नॉर्मली आप पूरी बॉडी पे भी, फेस पे भी इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और पहले ही यूज़ से आपकी जो स्किन है वो थोड़ी स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस कम होगी, फ्लेकिंग कम होगी और आप परेशान नहीं होंगे कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है। और ऐसी टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको नेचुरल हर्बल तरीके से आपकी स्किन का ध्यान रखना सिखा सकें, टिप्स दे सकें और आपको लंबे समय तक ब्यूटीफुल रख सकें। और किसी भी चीज़ का अगर आप सवाल पाना चाहते हैं तो एक फॉर्म हम लिंक कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं और आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को केमिकल से बचा के अपनी स्किन का, अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं नेचुरल तरीके से।